ये ले, मेरे हाथी ने तेरे वजीर को मारा। ओए क्या मस्त खेलता हूँ भाई। से चेस खेलना नहीं, चेस की बेइज्जती करना कहते हैं। अगर विश्वनाथन आनंद देख लिया ना तुम पे केस कर देगा। अबे वो मुझ पर केस क्यों करेगा, मैंने उसका चेस थोड़ी ना चुरा है। खेलो। मैंने तो ये बजबी के घर से चुरा है। अबे चुप हो जाओ भाई, ऐसे नहीं खेलते चेस। तुझे आता है चेस खेलने? नहीं। तो ऐसे ही खेलते, मैंने इजाद किया है, चल। बस करो भाई बस करो। तो मैं बस करके क्यों जाऊँ, मुझे थोड़ी ना कहीं जाना है। मुझे पता है तुझे डर लग रहा है कि मैं तुझे कहीं हरा ना दूं। अच्छा ये बात है भाई। हाँ यही बात है कि तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। भाई ऐसा मत बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लोग हंस हंस के मर जाएंगे। अगर दम है ना तो मुझे हरा के दिखा। तो ये लो भाई, मेरे वजीर ने तुम्हारे ऊंट को उड़ाया। अच्छा तो अब देख मेरा घोड़ा तेरे सैनिकों को कैसे रोनता है, ये ले। ठीक है भाई, ये देखो मेरी रानी ने तुम्हारे वजीर को उड़ा दिया। अबे तो फिर ये ले। मैं जीत गया, मेरे राजा ने तेरे राजा को मार दिया। मम्मी जी, मम्मी जी, ओए मेरा लाल, मेरा कमाल, मेरा बेमिसाल, क्या खेलता है पुत्र। थैंक यू मम्मी जी। क्या खेलता है आपका पुत्र, यही तो समझ में नहीं आता। ओए चुप कर लायक कहीं का पुत्र, अपनी जीत की खुशी में ना ये ले पकौड़े खा। अरे वाह थैंक यू मम्मी जी। मैं भी खाऊंगा। ये मम्मी जी ने मेरी जीत की खुशी के लिए बनाया है, तुझे नहीं मिलेगा। अरे बाबा क्या हो गया पुत्र? मम्मी जी दांत में दर्द हो रहा है। और खाओ अकेले अकेले पकौड़े, लग गए ना हथौड़े। ओए नलायका, तेरे भाई के दांत में दर्द हो रहा है, उसे दांत के डॉक्टर के पास लेकर जा। अच्छे जी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। भाई वैसे तुम्हारे मुंह के हिसाब से तुम्हारा दांत लगवाने तो अफ्रीका जाना चाहिए था। अबे चुप। लेकिन पप्पू बाहर तो एमएडी मैड लिखा हुआ है, तू क्या मुझे ये पागल खाने में लाया है क्या? नहीं भाई, वहां तो तुम्हें मोहल्ले वाले भेजना चाहते हैं, मैं नहीं। अबे चुप कर यार, ये मैड है क्या? मुत्तू जी, मुत्तू अमेजिंग डेंटल क्लिनिक, एमएडी मैड। भाई साहब आप है कौन? मैं मुत्तू अमेजिंग डेंटल क्लिनिक का मुत्तू जी। अच्छे जी, ये मेरा क्लिनिक। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। जब चलता मुत्तू कहा आता है तो तुझ जाते सबके दांत। चलो आ जाओ, अब मैं तोड़ेगा तुम्हारा दांत। उससे पहले तुमको करना पड़ेगा एक्सरे, जाओ उधर जाओ एक्सरे करके आओ, क्योंकि जब चलता है मुत्तू का हाथ तो टूट जाते सबके दांत। मैं जाके लेट जाता है ऑन द खाट। अरे भाई साहब और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? आप बैठ जाइए। ओके। और क्या आप ऐसे पहली बार कर रहे हैं? हाँ हाँ पहली बार आया है। वो विजडम टूथ में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए निकालना है उसे। विजडम टीथ तो वो ही होता है ना, जब वो आती है तब अकल आती है। हाँ हाँ ऐसा कहते हैं। तो इसको निकालने के बाद अकल चली जाएगी ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार, एक तो पहले डॉक्टर का टॉर्चर सो, ऊपर से मेरी अकल भी चली जाएगी। मैं नहीं निकालने वाला टूथ, मैं निकालता हूँ। अरे डॉक्टर साहब ये क्या है? जब चलता है मुत्तू के हाथ में टूट जाते समय के दांत। ये सारे दांत है ना लोगों के, मैंने तोड़े। मुझे दांत कलेक्ट करने का ना बहुत शौक। तुम अपना दांत दिखाना। मेरे है? मेरे तो दांत नहीं है डॉक्टर साहब, और मैं तो यहाँ अपने भाई के लिए आया हूँ, उनके दांत तोड़ो। तुमको पता है उनके दांत ना बहुत अच्छे, एकदम स्लीपिंग पोजिशन। उसका दांत कलेक्ट करने के लिए ना मैं तुमको पैसे भी दे सकता है। पैसे? कितने पैसे डॉक्टर साहब? 10,000 रुपीज। क्या? आइए डॉक्टर साहब, आपको रजनीकांत की कसम, आप भाई के सारे दांत निकालो, लेकिन पैसा मुझे ही देना। सर जो आदमी एक्सरे करवाने आया था वो भाग गया। एक और पेशेंट भाग गया, जाओ पकड़ो उसको, पकड़ो मेरे पैसे। अगर तूने उसको नहीं पकड़ा तो चलेंगे मेरे हाथ और टूटेंगे तेरे दांत, पकड़ो। अबे यार ये भाई कहाँ चला गया बिना दांत तुड़वाए? उनके साथ साथ मेरे 10,000 भी ना चले जाएं।
क्या करूं यार। हेलो, मेरे 10,000 की लॉटरी, कहाँ हो तुम? ओए पप्पू, खबरदार जो छिछोरी बातें की मेरे साथ, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। भाई तुम तानिया की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? क्या? ओए मैं तानिया ही बोल रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं गुड़गांव के आई अपनी आंटी के घर, तू और मंदबुद्धि हो गया। तूने क्या लाइन मारी? 10,000 की लॉटरी टिकट, तेरा नाम देख तू जूतियां मारने में तेरे मुंह पे। वो तानिया, वो मैंने तुम्हें नहीं, वो तो मैंने दांत। दांत? कौन सा दांत, किसका दांत? तानिया को भाई के दांत के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, वरना अगर सबको पता चल गया तो सब मिलकर मेरे दांत तोड़ देंगे। ओए बोलता क्यों नहीं कौन सा दांत? अरे तानिया, दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए ना 10,000 रुपए की हाथी दांत की ज्वेलरी खरीदी है, और तुम जैसे ही वापस आओगी ना, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। क्या सच पप्पू? मुझ ठीक है, मैं जैसे ही आंटी के घर से आती ना, सबसे पहले मैं तेरे से मिलने आऊंगी। क्या? बाय बाय। अबे यार, अब तो आंटी के यहाँ से वापस आती है, मुझसे ज्वेलरी मांगेगी। हाय, अब तुम्हें अपने दांतों की कुर्बानी देनी होगी, नहीं तो तानिया वापस आकर मेरे दांतों की कुर्बानी ना ले ले। क्या हुआ नंदू? मम्मी जी ने कहा कि दांत में दर्द है। सच सच बताओ, किससे मार खा कर आए हो? अरे नहीं नहीं चंदू, मैंने किसी से मार नहीं खाया, ये तो अपने आप ही दर्द हो रहा है। पर तुम ना टेंशन मत लो, मैं ना अकलमंद हो रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। देखो नंदू, मैं पहले ही ऑफिस से बहुत थक हार कर आई हूँ, ऐसी बातें करोगे ना तो मैं शौक के मारे बेहोश होकर गिर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं चंदू, मैं सच में अकलमंद हो रहा हूँ, मेरा ना विजडम टूथ निकल रहा है। अच्छा वैसे? पर चंदू तू हंस क्यों रही हो? देखो नंदू, अगर तुम्हारे सारे टीथ भी विजडम टीथ से रिप्लेस हो गए ना, तो भी तुम नंदू ही रहोगे। अरे चंदू, अगर मैं ऐसी छोटी सी लाल रंग की स्कर्ट पहनूंगी तो और भी यंग लगूंगी। तेरे दांत का दर्द अब कैसा है? अरे मम्मी जी, अभी तक ठीक नहीं हुआ। अयो रब्बा। भाई तो डेंटिस्ट के यहाँ से भागकर घर पे आ गया, अब तो इसे पटाने के लिए कोई पैंतरा लगाना ही होगा। चल बेटा पप्पू, बोल एक्शन और शुरू कर एक्टिंग। भाई भाई तुम मिल गए भाई, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चले गए थे भाई? और ये खोया कब था? खोए थे पप्पी जी, खोए थे। मेरा प्यारा भाई डेंटिस्ट के यहाँ जाने के बाद बेचारे कहाँ चला गया था, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा अपने भाई को। लेकिन भाई अब मैं बहुत खुश हूँ, तुम मुझे मिल गए भाई। मेरे भाई, तू मुझसे इतना प्यार करता है? हाँ भाई, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया का कोई भी पैसा मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकता मेरे भाई के लिए। चलो भाई डेंटिस्ट के पास तुम्हारे दांत निकलवाते हैं। मैं नहीं उखड़वाऊंगा। मम्मी जी, ये मेरा विजडम टूथ है, अक्कल दांत। आपको पता है इसके आने के बाद मैं जितना स्मार्ट हूँ ना, उससे भी डबल स्मार्ट बन जाऊंगा। भगवान बचाए अब तो दुनिया को। मम्मी जी, मम्मी जी। पर पुत्र, तेरे दांत का दर्द? अरे मम्मी जी, दर्द के आगे ही तो जीत है। कौन वो इंश्योरेंस एजेंट? जीत सिरोही? अबे मैं विनिंग वाली जीत की बात कर रहा हूँ। और मम्मी जी, आपको पता है विजडम क्या होता है? कुछ पाने के लिए ना कुछ सहना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग भी तो सह कर ही तो आगे बढ़े ना, उसी तरह से मैं भी दर्द सहकर बहुत आगे बढ़ूंगा। हाय मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, कितनी अकलमंदी की बात कर रहा है, तेरे संस्कारी बाबूजी सुनते ना तो वापस मर जाते। क्या बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी। तो पुत्र बहुत खुश होते वो। ओ मम्मी जी, देख रहे हो आप, भाई के दिमाग पे ना दर्द चढ़ गया है दांत का, इसको निकलवाना पड़ेगा मम्मी जी। नहीं नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हें नहीं निकलवाना, तुम्हारे दांत को निकलवाना है। चलो मेरे साथ डेंटिस्ट के। छोड़ मुझे, मैं नहीं। छोड़ दे। नहीं मम्मी जी, इनको लेके जाना पड़ेगा, इनका दर्द कम नहीं होगा। खबरदार खबरदार, अगर मेरे भोलू बेटे को कुछ कहा तो वही होगा जो मेरा नंदू पुत्र चाहेगा। ओए ना ना ना, तू दुखी मत हो, चल मैं तुझे कमरे में ले चलती, खसमारू खाना ना हो बेटा। गए मेरे पैसे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे वाह, मैं तो अब और भी स्मार्ट हो रहा हूँ।
मेरा विजडम टूथ जो आ रहा है, देखना इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा कर लूंगा कि लोग मेरी समझदारी और ज्ञान का लोहा मानेंगे। इतना सारा ज्ञान लाऊं कहां से? आइडिया, गूगल बाबा की जय। लैपटॉप। हाय नंदू, लगता है इसके दांत का दर्द इसके सर में चढ़ गया। ये बाबा जी, ये तो पहले से इतना पागल है, इसे और पागल मत बना दीजिए, वरना इसके लेवल के तीन पागल मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहू, कुछ बोला क्या? नहीं मम्मी जी। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। वाह, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। पुत्र, पुत्र, ये किस महापुरुष ने कहा है? मम्मी जी, वही जो आपके घर पर है। इस कार में तो महापुरुष की श्रेणी में सिर्फ मैं ही आती हूँ, और कौन है? अरे नहीं मम्मी जी, आप तो महास्त्री है ना। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सारे कोच मेरे ही तो है। मेरा पुत्र, तू ना मेरा गर्व है, गर्व। क्या मम्मी जी, इसका मतलब अब तक आपने मुझे मेरा गलत नाम बताया? नहीं नहीं, नाम तो तेरा नंदू ही है। तो फिर क्यों कहा कि गर्व है, गर्व? मेरे कहने का मतलब है तू मेरा गर्व है। हाय रब्बा, क्या कहते हो उसे अंग्रेजी में? हाँ, तू ना मेरा प्राउड है, प्राउड। ओके ओके, अच्छा अच्छा, थैंक यू मम्मी जी। हाय रब्बा, मेरा भोलू भी बड़ा भोला है। भाई के इस गर्व के चक्कर में तानिया मुझे यमराज को सर्व कर देगी। अगर मैंने उसे नेकलेस नहीं दिया तो क्या करूं? ऐसा तो नहीं होने दूंगा। दांत नहीं निकलवाओगे? इसे कहते हैं ठंडा पानी। जब ये पानी भाई के मुंह में जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, कितना मजा आएगा। भाई भाई, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, भाई तुम ये सब काम करते करते थक गए होगे ना? हाँ। लो थोड़ा पानी पी लो। अरे वाह पप्पू, तू तो सुधर गया यार। क्या हुआ भाई? भाई दांत में दर्द, चलो डॉक्टर के चलते हैं। नहीं 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 हो रहा है दर्द पप्पू, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए मैं दर्द सहन कर लूंगा, क्योंकि दर्द ही जीवन का फलसफा है। मन तो करता है कि तुम्हारे इस फलसफे का फल अलग कर दूं और सफा अलग कर दूं। क्या बोला बे? कुछ नहीं भाई, मैं तो ये बोल रहा था कि तुम्हारे लिए फल फल लाया हूँ मैं, ये लो, बहुत मीठा है भाई। अरे वाह एप्पल, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा पप्पू। हाँ भाई, ऐसे खाना, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, खाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारे डॉक्टर के पास ले जाने में और मजा आएगा। दर्द हुआ ना भाई? भाई दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसा महापुरुष अमिताभ बच्चन ने कहा है। भाई तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं पप्पू। मर गए यार। मुझे लगा चोर है। मैं तुम्हें यहाँ लेटा हुआ चोर दिख रहा हूँ? लगते तो तुम भूत हो, पर मैं एडजस्ट कर लूंगी, इट्स ओके। नंदू एक बात बताओ, तुम ये कुर्बानी के बकरे की तरह कराह क्यों रहे हो? अरे चंदू दर्द है। तुमने मुझे दर्द कहा? अरे मेरा मतलब है चंदू, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है यार। अच्छा, कहा था ना डेंटिस्ट के पास जाकर उखड़वा लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो माननी नहीं है। नहीं नहीं चंदू, मैं अपना दांत नहीं उखड़वाऊंगा, ये मेरा विजडम टूथ है यार, फिर मैं बेवकूफ बन जाऊंगा। As you wish, मैं चली सोने। क्या दर्द के मारे नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं?
यार। हेलो। हेलो पप्पू, क्या कर रहे है तू? योगा कर रहा हूँ। इतनी रात को? अबे इतनी रात में सोया ही तो जाता है, कौन बेवकूफ बोल रहा है यार। मैं तेरा काल बोल रही हूँ। तानिया? हाँ तानिया बोलो। अच्छा काल बोला तो तू तुरंत पहचान गया। वो तानिया कहते हैं ना कि पतियों के लिए उनकी बीवियाँ काल समान होती हैं। क्या कहा तूने? कुछ नहीं तानिया, I'm sorry। अच्छा सुन, जा मैंने तुझे माफ किया। अच्छे जी। आखिर मेरे लिए तूने वो नेकलेस जो लिया है ना? कौन सा नेकलेस? अरे तूने बोला था ना वो हाथी दांत वाला नेकलेस। क्यों नहीं, चल ठीक है, कल मैं आऊंगी और वो नेकलेस तेरे से ले लूंगी। ओके तानिया, एक किस तो दो। ओए ज्यादा छिछोर पंती ना करी मेरे नाल, तेरे दांत तोड़ दूंगी मैं। बेवकूफ। ओके बाय। अच्छा ओके बाय। अरे यार ये हाथी दांत का नेकलेस कहाँ से लाऊं, ये तो पीछे ही पड़ गई है। आज जो मैं तुम लोगों को हरा दूंगा। अरे तू क्या हराएगा, मेरे पास तो पहले से ही हरा बॉल है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खेल में हरा दूंगा। हाँ देख लेंगे कौन किसको हराता है। भाई वो तुम्हारे बच्चे एकदम तुम पे गए हैं, ट्यूब लाइट। कल मुझे तुम्हारी तरह एक आदमी मिला था डेंटिस्ट के यहाँ, कुछ भी नहीं समझता था, मैंने उसे डरा दिया और बोला वो विजडम टूथ में बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए निकालना है उसे। विजडम टीथ तो वो ही होता है ना, जब वो आती है तब अकल आती है। हाँ हाँ ऐसा कहते हैं। तो इसको निकालने के बाद अकल चली जाएगी ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। और ये सुन के वो भाग गया। चलो खेलते। पप्पू इसका मतलब इसने मुझे झूठ बोला था। इसका मतलब इसी बच्चे की वजह से मेरे हाथ 10,000 रुपए नहीं लग रहे। क्या भाई वो जो डेंटिस्ट था ना, वो तुम्हारे दांत के बदले 10,000 रुपए देने को तैयार है। अच्छा इसलिए तू मेरे दांतों के पीछे पड़ा हुआ था ना पप्पू, मैं तुझे छोड़ूंगा ना। भाई, 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 भाई मेरी बात तो सुनो, तुम्हारे सड़े हुए दांत के बदले 10,000 रुपए, सोचो भाई सोचो क्या मस्त डील है। हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, इसे बेचकर मैं 3 महीने तक रोज आइसक्रीम खा पाऊंगा। भाई वो दरअसल क्या है ना, मैंने तुम्हारे 10,000 रुपए के बदले तानिया को एक नेकलेस भी गिफ्ट देने का वादा कर दिया है। अच्छा बेटा, दांत उखड़वाऊं मैं, डर सहूं मैं, और मजे उठाए तू और तानिया, ये मैं नहीं होने दूंगा। भाई इसका मतलब तुम मुझे अपने दांत के बदले आए हुए पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं। बाबूजी, बाबूजी, देख रहे हैं आप अपने नालायक नंदू को? क्या बात है? आपने तो कहा था कि भाई के दांत में जब भी दर्द होगा ये उस दांत को तोड़वा के सारे पैसे मुझे देंगे। बाबूजी, देख रहे हो बाबूजी, भाई बाबूजी तुम्हें घूर रहे हैं। अच्छा समझ में आया, ये जरूर बाबूजी ने तब कहा होगा जब मैं स्कूल गया हुआ था, है ना? हाँ भाई तुम्हें कैसे पता? इंटेलिजेंस भाई, मुझे पता है मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। तो भाई तुम मुझे पैसे दोगे ना? नहीं पप्पू नहीं। भाई अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं बाबूजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा और फिर बाबूजी तुम्हारे सपने में आके तुम्हें डराएंगे। नहीं नहीं पप्पू, एक काम कर, तू ले ले पैसे यार, तू ले ले, कम से कम इस तकलीफ से तो राहत मिलेगी। थैंक यू भाई। जब चलता है मुत्तू का हाथ तो टूट जाते सबके दांत। थैंक यू बाबा जी, निकल गया भाई का दांत और मुझे मिलेंगे पैसे और फिर मैं तानिया को उसका नेकलेस गिफ्ट कर दूंगा, फिर मेरे दांत टूटने से बच जाएंगे और भाई जैसी हालत भी नहीं होगी। हे डॉक्टर साहब, मेरे पैसे। जब चलता है मुत्तू का हाथ तो टूट जाते सबके दांत। अरे ये लो तुम्हारे पैसे। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बाकी के 9,000 जो भी है यही है। पर हमारी तो 10,000 की बात हुई थी ना। हाँ 9,000 मैंने अपना फीस काट के बाकी तुमको दे दिया। क्या? नहीं, तानिया को नेकलेस नहीं दिया तो चलेगा उसका हाथ और टूट जाएंगे मेरे सारे दांत। पप्पू मेरा तो सिर्फ विजडम टूट गया,
लेकिन तेरा तो विजडम के साथ किंगडम टूट भी जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खरीद ले या। अबे तेरी तो अबे खामोशियां बेचैनियां नादानियां।